उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हों, मगर उसके बावजूद बिजली विभाग में तैनात बाबू प्रदेश के मुखिया की जीरो टॉलरेंस नीति को चुनौती दे रहा है। दरअसल ये ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद का है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के थाना डिलारी क्षेत्र स्थित बिजली विभाग के विद्युत वितरण उपखंड डिलारी खंड तृतीया मुरादाबाद में तैनात बाबू राजीव सैनी का पैसे लेते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है बाबू राजीव सैनी बिजली उपभोक्ता से पैसे लेते नजर आ रहा है। बिजली उपभोक्ता वीडियो में 500 के करीब 34 नोट गिन बाबू को दे रहा है और कह रहा है, बाबू जी अब मेरा काम हो जाएगा। तो बाबू बोले, अब चिंता ना करो। हेलो आज चलो भाई, हाँ ठीक है ठीक है आज लोगे कल लोगे आज दे दो ना तो यार बच्चे आप बिल्ले तो दो यार मैं कह रहा था इनको आप दे दोगे रसीद कल को बात कर लो क्योंकि अभी एजेंट साहब आने वाले भी आए नहीं है पता नहीं कब तक आएंगे मुश्किल आ रहा क्योंकि वो राहुल यादव साहब भी छुट्टी पर जा रहे हैं ना तो शायद चार्ज वर्ष कुछ ले रहे हैं वहां का भी हेलो। दरअसल इससे साफ जाहिर है कि प्रदेश में किस तरह बिजली विभाग के भ्रष्टाचार बाबू योगी सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश करने के सपने को ध्वस्त कर रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस भ्रष्ट बाबू राजीव सैनी के खिलाफ जिलाधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं या जांच के नाम दे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। आपको बता दें प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, मगर विभागीय कर्मचारी हैं कि योगी सरकार के मुंह पर भ्रष्टाचार फैलाकर उनके सपनों को धराशायी कर रहे हैं। जी हां, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में हूं। आपको बता दें ताजा मामला बिजली विभाग का है। आपको बता दें ठाकुर द्वारा के उपखंड डिलारी पर तैनात बाबू राजीव सैनी का एक मामला सामने आया है। वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि राजीव सैनी जो बाबू हैं वो एक उपभोक्ता से बिजली का बिल कम कराने के नाम पर रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं। जब इस सिलसिले में बाबू से बात करना चाही तो बाबू का सीधे कहना था कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है, मगर वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाबू कैसे नोट गिनना है। जब उनसे दोबारा फोन करके हमारे रिपोर्टर ने बात की तो उनका कहना था कि कैशियर मौजूद नहीं था बिजली विभाग में, इसलिए वो पैसे मैंने रखे। आपको बता दें कि बिजली विभाग में चाहे जुर्माने का बिल हो या आपके बिजली उपभोक्ता का बिल हो, वो कैश काउंटर पे जमा होना था। इसे सीधा सीधा सवालिया निशान कार्यशैली पे है, जहां
योगी सरकार कहती है कि हम अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, मगर इन जैसे राजीव सैनी जैसे बाबू किस तरह बिजली विभाग के दामन पर काला दाग हैं और योगी सरकार के सपने को धराशायी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि विद्युत विभाग के आला अधिकारी इस बाबू के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या फिर इसे ठंडे बस्ते में डालते हैं। अपने सहयोगी मनोज के साथ मैं सागर रस्तोगी, पंजाब केसरी, मुरादाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।